नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में। उन्होंने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के आबकारी आयुक्त ने ठाणे के आबकारी कलेक्टर द्वारा नवी मुंबई के वाशी में उनके स्वामित्व वाले बार के लिए शराब लाइसेंस रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया है। वानखेड़े का शराब लाइसेंस कथित तौर पर उनकी उम्र में हेराफेरी करने के आरोप में रद्द कर दिया गया था। उन्होंने ठाणे आबकारी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर आईपीसी की अन्य धाराओं के बीच शपथ धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में झूठी जानकारी देने के आरोप में ठाणे के कोपारी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि वानखेड़े ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक वयस्क के रूप में खुद को पेश किया गया था। शुक्रवार को वानखेड़े के वकील विशाल थड़ानी ने न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की खंडपीठ से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, क्योंकि राज्य आबकारी आयुक्त के समक्ष उनकी अपील को 16 जून को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने वानखेड़े को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और 16 जून के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।